सरहुल महापर्व को लेकर अजय तिर्की के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सरहुल महापर्व को कैसे आयोजित करना है उस पर चर्चा की गई। वहीं अजय तिर्की ने कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल सरहुल महापर्व अच्छा से नहीं मनाया गया। इस बार हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार हमें सहयोग करे और सब साथ मिलकर इस महापर्व को धूमधाम से मनाते रहें। देखिए, आज सरहुल महापर्व को लेकर के आज बैठक किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि 2 साल कोरोना का बीत गया और 2 साल का कोरोना में किसी भी तरीका का किसी का भी पर्व त्यौहार नहीं मनाया गया, सब फीका फीका चला, लोग खाने को ललाहित थे। लेकिन इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरहुल नज़दीक है और कोरोना भी ख़त्म की कगार पे है, तो इस बार आदिवासी समाज ने पूरा ठाना है कि इस बार धूमधाम तरीके से सरहुल त्यौहार मनाएंगे, जुलूस निकलेंगे और यहाँ का मूलवासी समाज भी इसको सहयोग और समर्थन देने के लिए राजी है, ताकि सभी को मिली भगत से आदिवासी का जो त्यौहार है उसे मिली कल सेलिब्रेट करते हैं ये आदिवासी और मूलवासी। तो इसी तरह से हम लोग केंद्रीय सेना समिति को इस और भव्य तरीके से कैसे मनाया जाए, इसको लिए हम लोग शाही मतलब प्राइज का सहयोग का हम लोग करने का बात की है। जैसे फर्स्ट प्राइज जिनका झांकी बढ़िया होगा उसको फर्स्ट प्राइज हम लोग 51,000 रुपया देंगे, सेकेंड प्राइज 31,000 रुपया और थर्ड प्राइज 21,000 रुपया और संताना पुरस्कार सभी को 5,100 रुपया देकर सम्मानित किया जाएगा। और जितने भी खोड़ा यहाँ पर आते हैं उस सभी का खोड़ा में लिस्ट में नाम चढ़ता है। सभी खोड़ा को गारा लाल पैर का साड़ी, एक धोती गमछा और एक गंजी दिया जाएगा पहनों को, जो कि हम लोग देकर सम्मानित करेंगे। यही आज की हम लोग बैठक में निर्णय लिए हैं। सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि जिस तरीका से सरहुल झारखंड के लिए महापर्व है, पूरे देश के लिए प्राकृतिक का एक मिसाल कायम करते हैं सरहुल के त्यौहार में, तो हम लोग चाहते हैं कि सरहुल त्यौहार में 10 दिन पहले कम से कम यहाँ की सरकार लाइट से चकाचौंध हो और पूरा जितने भी झारखंड में अखड़ा है, सरना अखड़ा, सभी का साफ सफाई हो, रंग रोगन हो और आने वाले दिन में सरहुल को भव्य तरीके से कैसे मनाए, इस पर सरकार को चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। हमने बताया कि हम लोग जिस तरीका से झांकी जो लेके लोग आते हैं उसको हम लोग पुरस्कृत करके सम्मानित करने का काम करेंगे। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपया जो कि पहली बार हो रहा है, फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपया, सेकंड प्राइज 31,000 और थर्ड प्राइज 21,000 रुपया देंगे, जो कि हम लोग दे के सम्मानित करने का काम करेंगे, जिससे उत्साह बढ़ेगा लोगों में आदिवासी समाज में। और सभी लोग जो लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं, हम उन्हें साफ तौर से कहेंगे कि आप लोग सिरम टोली तक आए। जिस तरीका से रामनवमी में जब झांकी निकलती है हिंदुओं का, वो सारे लोग तपोवन मंदिर जाते हैं अपना झंडा को स्थापित करने के लिए, माथा टेकने के लिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।